रंग तंग चोली पहनी है लाजवाब। किसने मिला दी मैंने अपनी जवानी, तरस का तू मेरी जवानी पे जालिम। तेरे प्यार में मर के फिर जिंदा हो जाएंगे, एक नगमा जवानी का। आइए दोस्तों बात करते हैं 90 के दशक की मॉडल, गायिका, अभिनेत्री और टीवी कलाकार रागेश्वरी लुम्बा की। इनका जन्म 25 जुलाई 1977 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता त्रिलोक सिंह लुम्बा संगीत निर्देशक थे। इनका भाई ऋषभ लुम्बा भी संगीत निर्देशक है। रागेश्वरी की पढ़ाई ऑक्सिलियम कन्वेंट हाई स्कूल में हुई थी। पढ़ाई के दौरान इनका रुझान फिल्मों की ओर हो गया था और इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इनके पिता संगीत निर्देशक थे, इसलिए उनके पास फिल्म जगत से जुड़े लोगों का आना जाना होता रहता था। एक बार इनके घर फिल्म निर्माता प्राणलाल मेहता आए हुए थे और उन्होंने रागेश्वरी को देखा। रागेश्वरी की उम्र उस समय 15-16 वर्ष थी और ये उस समय गुड़िया की तरह मासूम दिखाई देती थी। नजर की बात है, किसी को क्या पता। उस समय प्राणलाल मेहता अपने पुत्र जय मेहता को लेकर फिल्म जिद बना रहे थे। वे रागेश्वरी को अपने पुत्र के अपोजिट फिल्म में लेना चाहते थे और इस बारे में रागेश्वरी के पिता से बात की। रागेश्वरी के पिता और रागेश्वरी ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी और इस तरह से इनकी पहली साइन की हुई फिल्म जिद थी। क्यों करती है यार, लुट गए हम तो पहली बार, हमसे जिद की शूटिंग के दौरान इन्होंने फिल्म आंखें भी साइन कर ली थी और आंखें जिद से पहले बनकर तैयार हुई, जिसमें इनके अपोजिट अभिनेता चंकी पांडे थे। ओ काले चुटे वाली तेरा नाम तो पता। आंखें ब्लॉकबस्टर रही और साल 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, इसलिए रागेश्वरी और रितु शिवपुरी रातों रात स्टार बन गई थी। मना है तो जल्दी करो, रोने को आएंगे। पहली फिल्म के रूप में जय मेहता के साथ साइन की गई फिल्म जिद साल 1994 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म के गाने श्रोताओं द्वारा काफ़ी पसंद किए गए थे। कोरी गगरिया पीछा पानी। बड़ी ही तू नमकीन है मेरी बुलबुल लैला। तुझे प्यार कर लूं, जी चाहता है क्या हो। बोल तेरी आंखों का काजल कैसे फैला। साल 1994 में इन्होंने दो और फिल्मों में अभिनय किया था। एक थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और दूसरी थी दिल आ गया। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में इन्होंने अक्षय कुमार की बहन और सैफ अली खान की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। पास वो आने लगी जरा जरा। इन पर फिल्म आया गया ये गाना श्रोताओं द्वारा खूब पसंद किया गया था। हमें वो जाने लगे जरा जरा। और आज भी पसंद किया जाता है। अपना बनाने लगे जरा जरा। फिल्म दिल आ गया में इनके साथ अभिनेता अयूब खान थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कि किसका दिल आया, किस पर आया और कब आया। लेकिन संगीत प्रेमियों द्वारा गाने इस फिल्म के भी काफी पसंद किए गए थे। तंग तंग चोली पहनी है लाजवाब, कम सिंह का लिप देखो आए। सुन सजना मेरे कंगना, तेरे प्रेम के गीत सुनाए। प्यार किया है हमने तुमसे, जिंदगी जिएंगे तो तुम्हीं से। चोली में है दिल, दिलदार के लिए लहंगा भी पहना मैं यार के लिए। छोड़ दुपट्टा मैं तो दूंगी गालियां। बात ना बनी साथ जीने की जान दे के। अभिनय में इनको कोई खास सफलता नहीं मिली, ना तो इन्हें किसी बड़े अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिला और ना ही कोई दमदार रोल मिला।
उल्टा इनको फिल्मों में काम मिलना नए के बराबर हो गया था। साल 1995 और 96 में इनकी एक भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। साल 1997 में इनकी फिल्म दिल कितना नादान है रिलीज़ हुई, जिसमें इनके साथ एक नए अभिनेता राजा थे, उनकी भी शायद वो पहली फिल्म थी। दिल कितना नादान है बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन गाने उसके भी पसंद किए गए थे। दिल कितना नादान है, दिल आएगी बरसात कहाँ जाएंगे, पहने मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, कभी तूने फूलों की तरह तू मेरे पहलू में महकना। अभिनय में सफलता नहीं मिलने के कारण इन्होंने गायकी में अपना करियर बनाने की सोची और गाने लिखने शुरू कर दिए। 90 के दशक में गायक अपने खुद के एल्बम जारी किया करते थे। इन्होंने गाने लिखकर मीडिया आउटलेट्स में भेजने शुरू कर दिए थे, लेकिन इनका दुर्भाग्य ये रहा कि इनका एल्बम हर बार रिजेक्ट हो जाता था। थक हार कर इन्होंने अपने पिता और भाई की मदद से पहला एल्बम दुनिया रिलीज किया। इनका पहला ये एल्बम सुपरहिट हो गया था, जिसका एक गाना मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के काफी प्रसिद्ध हुआ था। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के। अरे इनका ये पहला एल्बम साल 1997 में रिलीज हुआ था। ये दुनिया बड़ी रंगीली, हर रस में नया। उसके बाद इन्होंने अपने पिता और भाई की मदद से काफ़ी एल्बम रिलीज़ किए थे और कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला की तरफ से दुनिया भर में स्टेज प्रोग्राम किए थे। हाथ ले उठ दे रे, ये प्यार का है दस्तूर, दिल का सौदा दिल। जब साल 2000 में रागेश्वरी का करियर पीक पर था और वे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए देश विदेश में प्रसिद्ध हो रही थी, उसी दौरान उनके चेहरे और सीने के बाएं हिस्से को लकवा मार गया और उनको गाना बंद करना पड़ा। हालांकि डॉक्टरों के इलाज, योग और अध्यात्म के दम पर इन्होंने इस रोग से छुटकारा पा लिया था, लेकिन वे कभी गा नहीं पाई। लकवे से उभरने के बाद इन्होंने साल 2002 की फिल्म तुम जियो हजारों साल और साल 2003 की फिल्म मुंबई से आया मेरा दोस्त में अभिनय किया था। साल 1993 से 2003 के मध्य 10 वर्षों में इन्होंने केवल 7 फिल्मों में अभिनय किया था। फिल्मों के अलावा ये काफ़ी टीवी शोज में नज़र आई थी और साल 2011 में इन्होंने बिग बॉस में अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में बताया था। इन्होंने हिंदी फिल्म 1-2 का 4 में एक गाना गाया था और एक तमिल फिल्म सिक्कर में भी एक गाना गाया था। इनके प्रसिद्ध एकल संगीत एल्बम है दुनिया प्यार का रंग, सच का साथ, Y2K और सागरी रेन। इन्होंने 27 जनवरी 2014 को लंदन में रहने वाले वकील सुधांशु से शादी की थी। शादी के बाद इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था और ये लंदन में ही रहती है। अपने पिता और भाई से मिलने के लिए मुंबई भी आती रहती है। नींद उड़ा